सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मीनाक्षी गोस्वामी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हम आ गए हैं फिर से उमरा नारायण मंदिर में। हम दूसरी बार आए हैं उमरा नारायण में। हमने कहा जब हम सब मंदिरों में घूम चुके हैं तो हम क्यों ना उमरा नारायण भी होके आए। और हमारे साथ हैं ये सब पीछे आ रहे हैं और मैं अभी आगे चल रही हूँ। और थोड़ी देर में ही सब आगे हो जाएंगे और मैं पीछे हो जाऊंगी क्योंकि मुझे थकान बहुत ज़्यादा लगती है इसमें। बहुत खतरनाक चढ़ाई है उमरा नारायण की। उमरा नारायण मंदिर की बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। हकीकत है किसी भी मंदिर के पास पीपल का पेड़ बहुत बड़ा सा पेड़ होता है और ये कुदरत की ही देन है जो हर मंदिरों के पास आपको पीपल का पेड़ मिलेगा। तो यहाँ भी जो ये वृक्ष है ये बहुत ही मोटा और बहुत ही बड़ा है। फ्रेंड्स, ये है उमरा नारायण का मेन गेट। मंदिर अभी बन रहा है, इसमें जो जो सीट वगैरह मिलती बैठने के लिए ये बना रहे हैं। ये उमरा नारायण विष्णु भगवान का मंदिर है। यहाँ बहुत पवित्र जल मिलता है। एक छोटा सा कुंड है उसमें बहुत पवित्र जल है और मैंने पूजा कर ली है। मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखो, ये विष्णु भगवान का मेन मंदिर है। यहाँ बालाजी महाराज की पूजा भी होती है, गणपति बाबा की। बालाजी महाराज के काफ़ी सारे मंदिर हैं। सामने भी बालाजी महाराज के मंदिर हैं और ये हवन कुंड है, यहाँ हवन होता है। और ये महादेवों के देव, महादेव का मंदिर है। ये है, बहुत सुंदर मंदिर है। बेलपत्री के साथ इनको जल चढ़ाया जाता है। बहुत खूबसूरत है। और एक ये लड़की बैठी है महादेव की, यहाँ महादेव की भक्त। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत सुकून है, जो भी समझ लो, लेकिन बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत सुकून है। यहाँ की बहुत ही निराली होती है। बालाजी महाराज मंदिर है। पापा कहाँ? फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ अभी यहाँ का कुंड। पिछली बार मैं आपको कुंड नहीं दिखा पाई थी। मेरा रास्ता ये है। इस तरह से पीने का पानी को पीते हैं। ये गंगा जल है। यहाँ ये जो आप देख रहे हो यहाँ से आता है ये कुंड का पानी। इस कुंड में अगर घर में कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप ये जल ले लेंगे तो सब कुछ आपका सब कष्ट दूर हो जाते हैं। ये गंगा जल है। इस कुंड का पता नहीं है पानी कहाँ से आता। देखो, एक बहुत सामने दिख रहा आपको मिट्टी सा है कुछ, उसी से ये पानी निकल रहा है। शांति है यहाँ। आरो इस कुंड से पानी भरेगी। ये देखो फ्रेंड्स, बहुत नीचे से भरो बेटा, इसके ढक्कन से भरो पानी इसमें। आरो ठंडा हो रहा है? नहीं। ठीक है, फुल हो गया। दूसरा वाला कैन भी भर लो। ये जल बहुत पवित्र है फ्रेंड्स। हमारे लिए लोटा लेके आए जल भरने के लिए और उन्होंने चाय के लिए भी पूछा, लेकिन वो बेचारे खुद ही परेशान हो रखे हैं, काम करवा रहे हैं। बाबा जी ने हमारे लिए चाय बनाई और हमें बहुत अच्छा लगा।
मजा आ गया, ठंड में केले भी दिए गए। बाबा जी ने कहा नहीं है, आप हर बार आते हो ऐसे चले जाते हो, इस बार चाय पी के जाओ। आज हम धन्य हो गए हैं, बाबा जी ने हमारे लिए चाय बनाई है और हमें इतना अच्छा प्रसाद मिला है। ये प्रसाद इसलिए मिला है, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी हम तक हमने कुछ नहीं खाया। हम सुबह से नहा धोकर पूजा करने के बाद हम घर से ऐसे निकल गए थे और यहाँ के बाबा जी ने कहा कि नहीं, बिना चाय पिए हुए नहीं जाओगे। इन सब ने पी लिए चाय, आरू और मैं पी रहे हैं। आरू कैसा लग रहा है? अच्छा लगा चाय पी के? फिर आएंगे। घर वाले कहाँ गए? कुछ हो गए वो खच्चर वाले चले गए। हम लोगों ने पूजा कर ली है, चाय भी पी ली है और बाबा जी ने हमें सुबह प्रसाद भी दे दिया था, केले खिला दिए थे, हमने केले भी खा लिए थे पूजा समाप्त करने के बाद। और फ्रेंड्स पक्का? ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं और कुकू कह रही है मैं यहीं रहूंगी। ये बहुत सुकून भरा मंदिर है, सुकून भरा मंदिर में रहना चाहती है। अब सब लोग अपने अपने शूज पहनने लगे हैं। हेलो भैया। हेलो दी। हाँ भाई, पहन लिए शूज? हाँ दी पहन रहा हूँ। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? हम सब बहुत ही फर्स्ट क्लास, बहुत सुकून में है हम लोग, बहुत मजे में है, चल रहा है। ये बहुत जन्नत में हमारा ये टाइम, बहुत सुकून भरे पल है। सुना होगा आप, यादगार। आपको कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं क्या ही बोल सकता हूं। बहुत अच्छा। फ्रेंड्स मैं ये जल लेके जा रही हूँ घर। दो कैन है ये, बहुत जगह, बहुत सारी जगह जाना है। उन्होंने भी बोला है। कैसा लगा? कैसा लगा? सिर्फ ये बागेश्वर जाएगा। कैसा लगा आपको? सबके लिए बंटवारा होगा। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुंह आपका उतनी उजरा जैसा क्यों हो रहा है? ये पता क्या शु कस्टमरों के पास जाएगा? मुझे नहीं पता है, मुझे एक पूरा ही बन जाएगा।